सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा छठी की ज्यामितीय परिभाषाओं के तहत समांतर रेखाखंड और असमानांतर रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे और आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है ताकि आप उसको बाद में आसानी से रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे समानांतर रेखाखंड, फिर देखेंगे असमानांतर रेखाखंड। तो समानांतर रेखाखंड ये होता है बच्चों, ऐसे रेखाखंड जिनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है, चाहे उनको कितना भी बढ़ा लो उन्हें समानांतर रेखाखंड कहते हैं। जैसे रेल की पटरी, कमरे की आयताकार दीवारें, जैसे आपका कोई आयताकार कमरा हो, आपके घर में कमरा है तो उसकी दीवारें आप देखना कि चाहे वो ऊपर की तरफ जा रही हों या ऐसे नीचे से स्टार्ट करते हैं दीवार, ऐसे धीरे 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 ऊपर उठा के ले जाते हैं तो बिल्कुल वो ऐसे समानांतर जाती हैं। या आप ये स्केल देख लो, आप ये स्केल है, इसकी ये लाइन और ये लाइन, नीचे की लाइन दोनों आपस में समानांतर रेखाखंड है, क्योंकि इनके बीच की ये दूरी है, इतनी दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर भी इतनी ही है, यहाँ पर भी इतनी ही है, तो ये समानांतर रेखाखंड का उदाहरण है। और जैसे रेल की पटरी, अगर आपने रेल देखी हो, कभी आप रेलगाड़ी में गए हों तो रेल की पटरी देखी होंगी, तो उनके बीच में हमेशा दूरी समान बनी रहती है। तो जैसे कि आपकी कॉपी है बच्चों, ये आपकी कॉपी है, तो कॉपी की ये वाले रेखाखंड, ये वाली लाइन है जो, ये और ये वाली लाइन है, ये दोनों किसका उदाहरण है, समानांतर रेखाखंड का। तो इसके अंदर हम समानांतर रेखाखंड में भी दो तरह के रेखाखंड होते हैं, एक तो ये रेखाखंड क्षितिज समानांतर, जैसे कि ये पड़ी लाइन है, ये भी पड़ी लाइन है और इन दोनों के बीच में इस तरह से ये समान गैप है, बिल्कुल समान अंतर है, इसको हम चाहे आगे इधर बढ़ा लें या इधर बढ़ा लें तो इनका गैप जो है बिल्कुल समान बना रहेगा। और एक इसके अंदर ऊर्ध्वाधर समानांतर रेखाखंड है, ये खड़ी लाइन है ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक है जो इस तरह से खड़ी, ये इस तरह से इस इधर भी ये खड़ी लाइन है, ये बिल्कुल दोनों इनके बीच में अंतर समान है, ये दोनों ऐसे सीधी चलती जा रही हैं, तो ये भी क्या है, समानांतर रेखाखंड का उदाहरण है। तो जो इस तरह से खड़ी लाइनें हैं उनको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर समानांतर रेखाखंड, जो ये खड़ी लाइनें थी, और जो ऐसे ये पड़ी लाइनें थी जिनके बीच की दूरी हमेशा बनी समान बनी रहेगी, जो पड़ी लाइनें क्षितिज लाइनें थी उनको हम बोलेंगे क्षितिज समानांतर रेखाखंड। तो इस तरह से समानांतर रेखाखंड के अंदर दो पार्ट हैं, जैसे ये रेल की पटरी है, ए बी सी डी ई एफ, ये रेखाखंड है हमारे, ये क्या हैं, ये हैं हमारे क्षितिज समांतर रेखाखंड। और जो ये खड़ी लाइनें हैं, जैसे ए से बी, ये इधर जा रही थी, ए से बी ये धरती के समानांतर थी, क्षितिज रेखाखंड, ये ए से बी ये ऐसे खड़ी है, सी डी ई एफ, तो इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर समानांतर रेखाखंड। तो इसमें हमने देखा कि समानांतर रेखाखंड ऐसे रेखाखंड होते हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है, चाहे उनको कितना ही बढ़ा लें, जैसे रेल की पटरी, कमरे की आयताकार दीवारें आदि, कॉपी की दोनों तरफ की जैसे रेखाखंड होते हैं, ये पड़ी लाइनें इनके समानांतर होती हैं और ये खड़ी लाइनें दोनों, ये भी आपस में समानांतर होती हैं। अब हम देखते हैं असमानांतर रेखाखंड। तो असमानांतर रेखाखंड बच्चों ऐसे रेखाखंड होते हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान नहीं रहती है, उसमें समान रहती है, इसमें समान, ये अंतर है, इसमें नहीं रहती है, उन्हें असमानांतर रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, असमानांतर, ए का अर्थ नहीं, यानी कि समानांतर नहीं। तो इन्हें एक तरफ बढ़ाने पर, इनको जब एक तरफ बढ़ाएंगे तो ये कुछ दूरी पर जाकर मिल जाते हैं और दूसरी तरफ इनकी दूरी जो है बढ़ती जाती है। जैसे जैसे देखो, ये हमने दो रेखाखंड लिए हैं, ए बी और सी डी, अगर हम इनको बढ़ाएं, ऐसे बढ़ा के देखते हैं इनको, इसको इस तरफ बढ़ा दिया है बच्चों, और इसको हम इस तरफ बढ़ा देंगे, और अभी ए बी को हम इस तरफ बढ़ा देंगे, एक तरफ ये बढ़ा रहे हैं, एक तरफ ये बढ़ा रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ए से बी और सी से डी तक असमानांतर रेखाखंड है, क्योंकि हमने ए बी को और सी डी को मिलाया, आगे बढ़ाया, तो एक तरफ ये यहाँ पर मिल गई, जैसे कोई बिंदु है पी या कुछ भी आप बिंदु ले सकते हो, तो ये एक तरफ जाकर मिल जाती हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये गैप इनका ऐसे बढ़ता जाता है।
तो आपने ये इसका भी उदाहरण बहुत अच्छे से देखा है कि जो आपकी जोकर की टोपी होती है, जोकर की टोपी होती है बच्चों, इस तरह से जो होती है ना आपकी टोपी एक, तो वो आसमान रेखाखंड का ही उदाहरण होता है ये, जो इस तरह से होती है। या ये आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम होती है हमारी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम भी इस तरह से ही होती है, उसमें भी एक तरफ जाके लाइनें मिल जाती हैं। तो ये दोनों क्या हैं, असमानांतर रेखाखंड के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में समानांतर और असमानांतर रेखाखंड के बारे में पढ़ा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसमें इस चैनल में गणित के वीडियोज़ भी हिंदी मीडियम में बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों। Yeah.